दोस्तों, एक ऐसा ताकतवर समुद्री लुटेरा जिससे आधा समुद्र खौफ खाता था, जैसे आज हम हॉलीवुड की सुपरहिट मूवी पायरेट्स ऑफ द कैरिबियन की वजह से जानते हैं। इस मूवी का कैरेक्टर जैक स्पैरो कोई फिक्शनल कैरेक्टर नहीं है दोस्तों। इसका असली नाम जैक वर्ड था, जो इंग्लैंड की सल्तनत के लिए काम किया करता था, लेकिन कुछ समय के बाद उसने इंग्लैंड के लिए काम करना बंद कर दिया और अपने साथियों के साथ व्यापारी जहाज़ों को लूटने लगा। और उसने कई बड़े जहाज़ों को लूटा, लेकिन एक दिन उसे लगा कि अब घर वापस लौटना चाहिए। उसने इंग्लैंड की सल्तनत को एक खत लिखा, लेकिन इंग्लैंड की सल्तनत ने उसे माफ़ करने से साफ साफ मना कर दिया। इसी हालत में इंग्लैंड जाने के बजाय जैक वर्ड को ट्यूनिस जाना पड़ा, जहां उस्मानी हुकूमत कायम थी। ट्यूनिस के गवर्नर ने जैक वर्ड को ना सिर्फ माफ़ी दी, बल्कि उसे उसकी ज़िंदगी की जमानत भी दी। इस बात से इंस्पायर होकर जैक वर्ड ने एक साल बाद इस्लाम कबूल कर लिया और उस वक्त उसका नाम यूसुफ रहीस रखा गया।